इन्होंने पूछा है ओशो के बारे में कुछ बताएं करके। तो ओशो इस गुरु इस युग के एक संबुद्ध सदगुरु हैं, जैसे भगवान शिव हुए, भगवान कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, शंकराचार्य हुए, उसी उच्च कोटि के चेतना के इस युग में अवतरित हुए एक सदगुरु हैं। इससे आप क्या संदेश दें? ओशो का संदेश है प्रेम और ध्यान। अंदर ध्यान हो और संसार में प्रेम हो, ये दो संदेश है ओशो। ये ध्यान के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, ये ओशो कुंभ का जो आयोजन किया गया है, ध्यान पहले सामूहिक नहीं था। ओशो के पहले आप देखिएगा, ध्यान सामूहिक नहीं था, ध्यान अकेले में करने की चीज थी। तो ओशो ने कहा कि जब अकेले में आप ध्यान करते हैं तो आप गति नहीं कर पाते। जो धर्मों ने सामूहिक प्रार्थना विकसित करी, जैसे इस्लाम ने सामूहिक प्रार्थना विकसित करी, आप देखेंगे हर शुक्रवार को सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो धर्म तेजी से भले गलत दिशा में गया पर एक समूह उनका बनता गया, है ना। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दो कौमों ने सामूहिक प्रार्थना को बल दिया और जैनियों ने और हिंदुओं ने सामूहिक प्रार्थना को निग्लेक्ट किया। उन्होंने कहा ध्यान अकेले में करने की चीज है। तो उनकी देखिए संख्या पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा ईसाई है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके मुसलमान आते हैं और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पे हिंदू का, बौद्ध और हिंदुओं का आता है। तो ओशो ने एक सामूहिक साधना को फिर से डेवलप किया। तो ये कुंभ का अर्थ यही है, ओशो कुंभ। मतलब कुंभ का अर्थ ये होता है कि जहां हम समूह में साधना करते हैं, एक समूह जो एक दिशा में सारे लोग जा रहे हैं, तो ओशो कुंभ का अर्थ है कि समूह में साधना करके हम अपनी गति को बढ़ाएं। जब जैसे कोई ब्रिगेडियर होता है, उसके पास 20,000 कर्नल के पास लोग होते हैं, तो जब वो कोई पुल से गुजरता है तो एक साथ उनके पैर गिरते हैं, एक साथ उठते हैं, तो वहां पे वो रिदम तोड़वा देता है। अगर 20,000 लोग एक साथ अगर पैर मार दिए पुल में तो पुल गिर जाएगा। ये विज्ञान कहता है कि वो पुल गिर जाएगा। तो इतनी शक्ति होती है समूह में, तो वो वहां पे रिदम तोड़वा देता है कि अब पैदल निकलो, ऐसे निकलो सामान्य। तो वैसे जब हम कुंभ में यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, तो जो लोग ध्यान में जिनकी गति नहीं है वो लोग भी खूब गति करेंगे। और ये आयोजन स्वामी आनंद सभा जी यहाँ पे कर रहे हैं, और ये एंजल रिसोर्ट है। एंजल रिसोर्ट यहाँ का जयपुर का एक खूबसूरत रिसोर्ट है। यहाँ पे ये शिविर हर साल लगता है, ये तीसरा वर्ष है हमारा, तृतीय वर्ष है ओशो कुंभ का। हमारे श्रोताओं को क्या संदेश दें? आपके श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि केवल संसार में मत भाग जाएं और केवल साधुओं के भी मत बैठ जाएं घर में, है ना। कि साधुओं के बैठ गए हमको तो कुछ करना ही नहीं है, हमको तो राम राम जपना है। ये दिन अब गए, संन्यास का दिन गया। जो पुराना संन्यास था कि सब कुछ छोड़ के चले जाना है, जंगल में रहना है, वो वास गया। अब तो बैलेंस बनाइए, नए युग के गुरु हैं ओशो, अब बैलेंस बनाइए, संसार में भी रहिए, खूब कमाइए, खूब बढ़िया घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, जो आपको करना है संसार की सभी सुविधाओं का उपयोग करिए, और अपने केंद्र में भी लौटने के लिए ओशो के पास आइए और अपने केंद्र में भी आना और बैठना सीखिए। मतलब बैलेंस बनाना है बस, संसार में भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पत्रकारिता करते हैं अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, पर आपको जब अपने घर आते हैं तो आपको शांत होना भी सीखना पड़ेगा। बस ये बैलेंस सिखाते हैं ओशो, संतुलन सिखाते हैं आपके जीवन। आप जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा तो जी रहे हैं, बस थोड़ा बैलेंस आ जाए आपके जीवन में, आप गति भी करें संसार में और केंद्र में वापस लौटना।